चैनल मोनेटाइज के बाद या फिर चैनल मोनेटाइज से पहले, सिर्फ एक गलती और आपका चैनल डीमोनेटाइज। जी हाँ गाइस, आपने 110% सही सुना। मैंने 2 दिन पहले ही एक वीडियो को अपलोड की थी जिसमें मिसलीडिंग मेटा डेटा के बारे में बताया था, बट फिर यूट्यूब एक बहुत बड़ी समस्या को क्रिएट कर रही है मोनेटाइज को कहते समय या फिर मोनेटाइज के बाद, जिसमें किसी का भी चैनल अगर मोनेटाइज नहीं है तो मोनेटाइज कहते समय मोनेटाइज को रिजेक्ट कर दे रही है, या फिर अगर आपका चैनल मोनेटाइज है तो डायरेक्ट डीमोनेटाइज कर दे रही है। तो भाई यह वीडियो काफी से भी काफी इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि भाई पैसा का सवाल है, वीडियो को 1% भी मिस मत करना। तो गाइस, जिस गलती के हम बात कर रहे हैं वह सभी नए यूट्यूबर अपने चैनल पर कर रहे हैं, यानी कि 95% लोग इस गलती को अपने चैनल पर डे बाय डे कर रहे हैं और उन्हें इस गलती के लिए भुगतना भी पड़ रहा है, बट इस वीडियो के बाद आपको भुगतना नहीं पड़ेगा। तो गाइस, फाइनली कौन सी वह गलती है जिसे 95% लोग अपने चैनल पर कर रहे हैं, चलिए आपको बताते हैं। तो गाइस, जिस गलती के हम बात कर रहे हैं वह है अपना खुद का वीडियो अपने चैनल पर बार बार चलाना। जी हाँ गाइस, अगर आप अपना वीडियो को खुद अपने चैनल पर बार बार चलाते हैं तो आपका चैनल डीमोनेटाइज हो जाएगी, और आपका चैनल मोनेटाइज नहीं है तो आपका चैनल मोनेटाइज पर जब भी लगाओगे आपके चैनल को मोनेटाइज को रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो गाइस, हमेशा याद रखना, अपने वीडियो को बार बार अपने चैनल पर कभी भी मत चलाना। तो गाइस, आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। इसी तरह का फ्यूचर में और यूट्यूब से रिलेटेड वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल का आइकन जरूर दबाना। थैंक यू।